इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ इन्ना सोना ओ इन्ना सोना इन्ना सोना। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना नाल सुनिए, आ जाना मेरे नाल।
हमारी दीदी आपको दे एंट्री तो मिलेगी नहीं। अरे एंट्री तो देनी पड़ेगी उसमें, हम यहाँ से लौटेंगे देख लेना। नाराज हो जाएंगे का ऊपर नाराज हो सकता है इसमें क्या है, एक ऊपर तो नाराज होना चाहिए ना। बना पानी पूरी खिला देंगे, जूस पिला देंगे। अरे नहीं नहीं अभी उधर नहीं, अभी हम इधर वाले भाई तुम ऐसे नहीं, थोड़ा ढंग से करो यार। स्वागत ऐसे चलो यार, तुम्हारे आगे तुमको लेना है। तुम वो चैतन्य ले रहा है नंबर, बाद में करता रहेगा। चैतन्य ले रहा है नंबर। सुनो सुनो, लड़की तुम्हारी वासो हमारा ऐसा के लड़के ले कोई। अरे काउंटर तो आप आए लड़के, अरे काउंटर अरे लड़का तुम्हारा कमारा ऐसा
मानो हमारा ऐसा लड़की ने कर दी। देखो आंटी को पसीना आ रहा है, जल्दी छुड़ा दिए सामने वालों के। हम दूल्हे वाले हम क्या जाने दूल्हे के पापा को हम तूने दूल्हा किसने बनाया हो? अरे तुझे घोड़ी किसने भाई कम नहीं लग रहा है, मैंने तो हार पहले देना तो पड़ेगा भाई, पहले पकड़ा लो यार, ले ले मेरा भाई ले तो भाई आई हार गई। नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना।
केबल्स के नीचे ढूंढो सब लोग। नहीं हमारे साथ आए थे, हमारे साथ नहीं आए थे और उनके हाथ में। चलो अभी तो बैग लेने गए। इसको भी धोती पहन के। अरे यश को मैंने बोला पहले जूते नहीं मिलेंगे, धोती नहीं। हम सब साथ में गए। नहीं है विकेट पे छुआ, वो हमारे साथ ही ऊपर गए। चलो मैं कुछ और मैं मोबाइल ले लूंगी, मोबाइल ले लूंगी, जूते तो छोड़ो। आजकल का एक्चुअली जैसे एडवांस मोबाइल या लैपटॉप ले लूंगी बस। फिर क्या करूं, पहले बोला था आई वुड सजेस्ट यू लैपटॉप भी उड़ा लो। फिर क्योंकि वन लाउड होता है। आपने तो बोला जयमाल के बाद चुराना। हां यार जूते तो पहले ही चुरा दे, इतना तो पता नहीं। नहीं नहीं मोबाइल ले लिया, मोबाइल सभी चोर। बस बस नहीं नहीं मोबाइल ले लो, आधी जान तो है। ये दे दे बोला ना मैंने 51,000 जस्ट फॉर शूट। 51,000 मैं इतने दिन शगना द चढ़या सखियो नी बेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना
हम कुरुमेदेव सर्व कार्येषु सर्वनाशिति पुरुषैतायां श्रीमन् महागणाधिपतये नमः पूजा संकल्प हरि उमा विष्णु 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 नमः परमात्मने सुतमाद्य श्री ब्राह्मणो हनि द्वितीय प्रादेश श्री वाराह कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रेष्टात्मे कल्पे कृपतम करणे भूलोके जम्बूदीपे भरतकंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते कृषे पुनः प्रदेशे महाराष्ट्र प्रांत मध्ये मुंबई महानगरे शाकिरांगा क्षेत्र मध्ये अवसे आनंदाम समत्सरेषु रुद्राणे वसंत ऋतु महामागमे मासे वैशाखमासे शुभे कृष्णे वक्रे अद्य षष्ठम्यां सुकृतो रविवासरायां भारद्वाजोत्पन्नो अहं वृश्चिकराश्यां श्रीमान् ललिजी शर्म च अहं भोलगे सपतैकस्य महादुतिं तमोरिसर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः दधीशं कृतारामं शिरोदाढौ शम्भुं नमामि श्रीं सोमं शुम्भोर्मुकुटभूषणं सोमाय नमः धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्तेशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यं भौमाय नमः ऋङ्गोकलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं शाम्बुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुकां च सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं प्रणमामि बृहस्पतिं हे मुकुंद मृणालाभं दैत्यानां प्रभं गुरुं सर्वशास्त्रभक्तानां भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलांजन समाभासं पुत्रमिमागतं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं अर्धकार्यं महावीर्यं चंद्रादिर्विमर्दनं सिंहागर्भं पूर्णाध्याय देवताभ्यो नमो आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः यहागच्छ यः तिष्ठो सुप्रतिष्ठो वरदो भव ध्यानाते यहं पुष्पं समर्पयामि नानादत समायुक्तं मुक्ताहार विभूषितानां च ओखरी प्रतिमोदी प्रशुपरी अश्वा इव शयिध्वरी द्विद पारैष्णव पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि गणेशं पिकाभ्यां नमः इति विज्ञान दुर्वांकुरान् समर्पयामि कांटात् कांटाप्रोहन्ति परुकोपृष्वरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि धूपः दीपः ूपमाग्रहयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य हतकोस्कलङ्गे धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य तृप्तिरथे नैवेद्यम् ॐ नाथ्या आशीतं त्रिशतं श्रेष्ठोजोः समवर्तताम् भूमिनिश्चोत्रोत्थानधालोकान् प्रकल्पयन् हविः प्रजनलम्बे अपरसवीरगुं सगणगुं सन्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजा बहुलाम्बे करो सन्तं तयोरे गोस्मासिधत्त चन्द्रमा मनसो जागृतशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राध्यायश्च प्राणचक्षुषान् अग्निरजायत आदित्यादि नवग्रहाणां दुष्टानां शुभसमनार्थं शुभानां प्रति शुभफल प्राप्ते इदं कन्या पक्षी पुरोहिताय संप्रददे ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः अहं प्रति गृह्यतां अहं प्रति गृह्णामि स्वाहा ॐ यजुर्वेदाय स्वाहा ॐ श्यामवेदाय स्वाहा ॐ अथर्ववेदाय नमः मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः जलं गृहीत्वा ॐ मधुपर्क निमित्तस्य प्रजातिपतिस्वं मधुपर्कदेवता मधुपर्क प्रासने विनियोगः मधुपर्कम् अहं प्रति गृह्यताम् ॐ मधुपर्कम् अहं प्रति गृह्णामि धन्यवादः ॐ मधुपाते वशता सवितुः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मम ब्रह्मये हस्ताभ्यां मम मधुपातारिताय ते सुतव मापे न सन्तो पदीः मधुनक्तमुतो खटो मधुपाते ॐ रज मधुहो पुनः पिता मधुबालो वनस्वतन्त्रा मापेर्गावो भवन्तु नः चार बार ॐ वस्तां गायत्री तन्त्रा भक्षन्तु ॐ रुद्रता रुद्रतां तन्त्रा भक्षन्तु ॐ आदित्या जाते भक्षन्तु ॐ श्वेतां निष्ठां भक्षन्तु जलं गृहीत्वा ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसुधामितस्य त्रिषुच्छन्दो गौरदेवता गौरविमन्त्रे विनियोगः
ससुर ललित जी शरमण से पाप मा अतः गोसर्जन कर्मण सांगता फल प्राप्ते इमाम दक्षिणाम गोनिष्किर भूतम द्रव्यम ब्राह्मणाय दास्ये ओम तत्सत नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम रुक्मणी कृष्ण सौभाग्य किम गोत्रस्य किम पर्वस्य किम शाकिन किम वेदाध्यायन कस्य शर्मण प्रपौत्राय किम गोत्रस्य किम पर्वस्य किम शाकिन किम वेदाध्यायन कस्य शर्मण पौत्राय किम गोत्रस्य किम पर्वस्य किम शाकिन किम वेदाध्यायन कस्य शर्मण पुत्राय किम नामने विश्वस्वरूपणे आयुष्मते श्रेष्ठ वराय आयुष्मान भव आयुष्मती भव सुभगे भारद्वाज गोत्रस्य भारद्वाजा आंगिरस बारस्पते दंदनी साकांग्रेदाध्यायन श्लोत्सवान् ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचनो सुसत्य सुखा सुभदिकां कांपेलवासिनि महाधुरिजे कांपेलवासिनि मो तिलकम अपने हाथों से तिलक करिए अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचनो सुसत्य सुखा सुभद्रिकां कांपेलवासिनि मो रमामनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायत श्रीचते लक्ष्मी बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं इष्टं निखाणा मुम्महिखाणो सर्वलोकं महिखाणो ओम जाह फलिनी जा अफला पुष्पा जा च पुष्पिणी विमुञ्चन्तं मुम्हसः प्रतिष्ठा ओम मनो ज्योतिषुखतामाजचमृहत्जमिमन्त्रणोत्वरिष्टं आभूषण यहा गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वधूव न्यूतन वस्त्र यहाँ गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वधू शुक्लोपचारार्थे गंधा अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि मम्मी पे ब्याज लगयो ये बन्नी नहीं मानती सुहाग पूरा लयो ये बन्नी नहीं मानती सुहाग पूरा लयो Thank you.
ओम हरि ओम मा विष्णु 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 नमः परमात्मने सुप्रभातं पुरुषोत्तमाय तत्सत्यश्री हंसचक्रानन्दौरूपिणो ताम्रो निर्वाच्य मायाशक्ति चिन्ता विद्या योगात् कालकर्म स्वभाव आविर्भूत महत तत्त्व उदित अहंकारस्योभूत वेदादि पंचकर्मेन्द्रिय देवता निर्मित अन्नकटा हि शुद्ध लोकात्मके लोके तन्मलिन निर्यातन्वति वरदे भगवतो श्री नारायणो नाभि कुम्भो भूतेनो सकलोक पितामहि Thank you.
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मी नारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी जन पाचक हरणा ओम जय लक्ष्मी कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकले कंकणं ओम यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जेते थानि प्रचरन्ति शिरका हतानि खङ्गिणः देखा गुंशः त्रयो जने वधन्वानि तन्मषे यानि कानि जो पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानि चो पापानि जन्मान्तरकृतानि चो तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानि चो पापानि जन्मान्तरकृतानि चो तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे सारे बच्चे एकदम चुपचाप बैठे कुछ बदमाशी नहीं करते जाओ ओम जाहिति नाम प्रजापति ऋषि प्रजापति ऋषि गायत्री बाबू आज में अपने नाम से अपने वायु सूर्य आदि का जाहिति भूमि के लिए ओम की मम्मी का जो पिताजी भूत बा इधर बसने इधर बंदो ओम स्वाहा हम तो भाई के लिए हम तो बुलाते हैं आप उसको जाओ ना तो ओम स्वाहा पिताओं के जाने ना मंगलो जलम कृष्ण संलो अपने त्रिवांदे ओम जलम गिरता परम विपुरी संसो कृषि संगम सूर्य का भूमि विनियोग स्वाहाय मृतवे नमः
कन्यावाचो लब्धो से मया तुम मया भरतो पुण्ये च विविधे कृते देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा दुख सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थानि भवन्ति हि भव सौम्यं सदैव त्वं कन्या एकिन्मिषे भवे। पहले वचन में कहती है कि मैंने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, पशु बलि सम्मान के व्रत लिए, व्रत लिए, तो जो व्रत का फल है तो भगवान की जो कृपा से आप मेरे को प्राप्त हुए और सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। जिस प्रकार आज आप प्रसन्न चित्त होकर के यहाँ पे सबके सामने हैं, तो यही मैं पूरा जिंदगी भर आपको प्रसन्न चित्त देखना चाहूंगी। दुख आ गया मुरझा गए, सुख आया एक लिमिट होना चाहिए हर चीज का। तो उस प्रकार आप मुझे वचन दीजिए कि मैं सुख में भी और दुख में भी हमेशा साथ दूंगा और हमेशा ऐसी रहूंगा। वचन दो भाई। पहला वचन है दिया। आपको मंजूर है? मंजूर है। क्या दिया? बोलो माइक में। हमेशा प्रसन्न चित्त रहूंगा, ठीक है। अब दूसरे वचन में कहती है वापे को तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारभ्येन नायज्ञ ऊर्जे पी तथा भवे। मंदिर बनाना, तालाब, वापी, कुआं, जलाशय, कहीं अनाथ आश्रम, कहीं हॉस्पिटल, कुछ भी आप दान करें, ये चीज खोलें, कहीं पे उसका उद्घाटन करें, लेकिन बिना मेरी आज्ञा का कुछ भी नहीं होगा। आप दान करिए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूं, लेकिन बिना पत्नी कथम धर्म। अगर आपने बिना पूछे आप पूरा दान कर भी आए तो आपको पूर्ण फल मिलने वाला नहीं है। पूर्ण फल कब मिलेगा? क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जब तक हम दोनों धर्म कर्म जब धर्म में आ गए तो जब तक दोनों का साथ नहीं होगा तब तक वो पुण्य भी हमको पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उनका दूसरा वचन है एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलिए तीसरे वचन में कह रहे हैं व्रतोत्यादानि दानानि स्त्राणि भवायचो न कृतम मेने लभ्यम स्त्रियामि रजस्वधा। स्त्री का स्वभाव होता है धर्म कर्म करना, पाठ पूजा करना, व्रत लेना, उसका उद्यापन करना, कथा करना। आप तो व्रत लोगे नहीं, अब व्रत लोगे तो उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन करना पड़ेगा तो उसमें सामग्री लानी पड़ेगी, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, खर्चा आएगा। तो अभी नहीं कहोगी कितना व्रत लेती है, कितना उद्यापन करते, कितने बार पंडित जी को बुलाती है, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला मेरा स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव है धर्म कर्म करना। तो कहने का तात्पर्य है वो ये प्रतिज्ञा ले रही है आपसे कि आज से मैं कुछ भी धर्म कर्म करूंगी तो उसमें कभी रोक टोक आप धर्म कर्म के लिए मेरे को नहीं करेंगी। जब घर में माताएं धर्म कर्म करती हैं तो उसका फल यानी कि उनको फल मिलता है, उनके पूरे परिवार को फल मिलता है। आदमी विदेश में है, बच्चे देश विदेश में है, माता जी यहाँ पे करती हैं उनके सुख शांति के लिए, आयुता के लिए, उनके सौभाग्य के लिए मन्नत मांगती है, प्रार्थना करती है, पूजा करती है, किसके लिए? परिवार के लिए। और उसमें भी हम उसको टोक दें मत कर। अब धर्म अगर धर्म कर्म नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बोला धर्म कर्म करना मेरा स्वभाव है, आप उसमें कभी दखलंदाजी नहीं करेंगे। मंजूर है? फिर कह रहे हैं स्वकर्माणि अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम। अब यहाँ पशु धान्य कहा गया, पहले के बहुत सारे पशु घर में होते थे, पाले जाते थे, तो अभी तो पशु का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन आजकल मर्सिडीज गाड़ी इत्यादि सब कुछ है। कुछ भी अगर आपको लेना है, कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या क्या कहा, स्वकर्माणि अर्जितम वित्तम। आप आज से जो भी कमाएंगे अर्जितम वित्तम उसकी जानकारी सब मेरे को भी रहनी चाहिए, सब मेरे को बताएंगे। और दूसरी बात का कुछ भी चीज खरीदेंगे खर्च करेंगे तो पहले पूछना पड़ेगा, यानी कि घर पे लाके उन्होंने ये लेके आया। आप रियायत में से लेना पड़ेगा कि खरीदे नहीं खरीदे और कितने तक की खरीदे,
आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप कर देना। तो वो सब चीजें हम हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। और जब तक ये उनका चौथा वचन है, आपको मंजूर है? हाँ, जोर से एक्सेप्ट किया आपने। माइक में गजा स्वामी पशु नांचो हे या पारिय कर्मचो अनापृच्छन् च न कर्तव्यम् पंच पंच भी सर्वदहो। अब गजा स्वामी, पहले के घर अशु सब होते थे, ये उस समय का वचन था कि पहले घर में लाते थे अपने, तो चले जाते थे, पालन पोषण घर में फिर करना पड़ता था। अब पालन पोषण तो पत्नी को करना है। अब दस अगर घर में ढोर हैं, डंगर हैं, हाथी घोड़े हैं, उनका लालन पालन सब करना ही पड़ेगा, घास फूस सब लाना पड़ेगा, उसमें के वचन है। तो बोला ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी लाएंगे पहले मेरे से पूछेंगे मुझे क्या लाना है। अब विदेश जाना है, ऐसा नहीं कि मैं सीधा बीजा आपको दे दिया, तो पहले मेरे से पूछना पड़ेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा सकता हूँ, मुझे विदेश जाना है, आपस में सलाम अर्ज करेंगे, तो सलाम उसे पहले होना चाहिए, तो उसके बाद ही बीजा आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मंजूर है? अभी कह रहे हैं भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि चो। सबसे बड़ी बात कह दी उन्होंने, अभी स्त्री का स्वभाव होता है आभूषण, 16 श्रृंगार। बोला आज आपने ये पैटर्न बनाया, हर साल में पैटर्न चेंज होता है। अब ऐसा नहीं कि यह हार बना दिया, मैं 10 साल तक 20 साल तक ये हार पहनूंगी, अगर मार्केट में कोई दूसरा पैटर्न आ गया तो मैं जरूर अपने आभूषण, वो मेरा श्रृंगार है, मैं 16 श्रृंगार में जरूर अपने उस आभूषण को लाऊंगी और आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा। कितने का है, क्या है, बात का विषय है, लेकिन मैं लाऊंगी और आपको फिर मना नहीं करना है, वो दिलाना है। ठीक है, किसी प्रकार आभूषण जो भी, क्यों 16 श्रृंगार से लेने, ऐसा नहीं कि मैं ये गाड़ी लूंगी, बंगला लूंगी, अपने श्रृंगार के लिए करेंगे, श्रृंगार के लिए आप बनाने करेंगे। अभी लास्ट वचन सबसे बड़ा कहती है कि गीत वादानि मंगल्यम बदुना च गृहे सदा अनाहुत्या च गमिष्यामि यदा मे प्रतिपालये। अगर मेरे मायके में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, किसी कारण बस सूचना नहीं मिली, और मेरा कर्तव्य बनता है कि वहां पे शामिल होना, तो आप मेरे को उस समय मायके जाने के लिए नहीं रोकेंगे, मैं जरूर उसमें जाऊंगी। ये उनका सातवां वचन है। आ जाना। क्या उनको मांगलिक कार्य होगा, यज्ञ अनुष्ठान होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा जाऊंगी इधर। तो वचन के अंदर भी क्या है, एक तरफा कहाँ वचन है, आप भी आ जाना, एक तरफा नहीं है ना, यज्ञ अनुष्ठान कहाँ, अभी सबसे बड़ी बात है कि 100 सुनार की एक लोहार की। बोला आपने तो अपने वचन रख दिए, अब मेरी भी कुछ बारी है, मेरी भी वचन अगर आपको पालने तभी मैं मांग मांगे नहीं बनाऊंगा आपको, मेरे वचन भी आपको स्वीकार करने होंगे। तो पहले वचन में कह रहे हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो यत् दर्शनम हाशम प्रग्रहे यानम तजे चो प्रोचिता भर्तुका। कह रहे जब तक मैं आपके साथ में हूं, आप सजिए धजिए, खूब श्रृंगार करिए, आप मेरे साथ चलिए, जहां भी आपको जाना हो मैं आपके साथ जाऊंगा। किसी कारणवश अगर मैं बाहर चले जाता हूं, आदमी का सबसे बड़ा स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, उसका स्वरूप। उस समय आपको सादगी से रहना है, ऐसा नहीं कि मैं हर कहीं भी जाऊं तो एकदम बिल्कुल बन ठन कैसे जाऊं। आप पति साथ में है, फैमिली साथ में है, आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अकेले में कभी भी हो। तो ये आपको मंजूर है? मंजूर है, गुड। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं विष्णु वैश्वर्य साक्षी ब्राह्मणों ज्ञाति बांधवा
पंच ध्रुवम यालोक्यो साक्षिशो ममागतः। बोला आपने बोल तो दिया, कभी मन में आया कि चलो पति भी विदेश में है और सास ससुर भी आज मायके गए हैं, वहाँ कार्यक्रम था, घर में कोई नहीं है, चलो पिक्चर हॉल चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, मेरे को कौन देख रहा है, घर में कोई नहीं है। तो सबसे कह रहे हैं कि विष्णु, अगर दिन में जाओगे सूर्य मेरे साक्षी हैं, रात को जाओगे तो चंद्रमा साक्षी हैं और ध्रुव तारे सब साक्षी हैं, अग्नि साक्षी है, बंधु बांधव जिनके साथ आपने प्रतिज्ञा ली थी वो सब मेरे साक्षी हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे मन में विचार नहीं आना चाहिए कि कोई नहीं है, चलो मैं चली जाती हूँ, मंजूर है, नहीं जाऊंगी, ठीक है। तम चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम चलो भय भ्रते मे सर्वदा देहम हृदयास्तवरानने। आज से आपका चित्त मेरा चित्त, आपकी वाणी मेरी वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, हमको मन से वचन से कर्म से एक होना पड़ेगा, ठीक है। आप जाइए मम्मी से कुछ, ठीक है कुछ आपको मम्मी को नहीं बताना, शॉपिंग जाना है, भले बाद में सरप्राइज देते हम ये लेके आए, बोले दोनों की बात एक होनी चाहिए। अब मैंने तो कहा नहीं मम्मी हम शॉपिंग नहीं गए थे, वहां गए थे, और आपने आते हुए हाँ मम्मी हम उस मॉल में गए थे, और झूठ भी बोलेंगे तो एक ही बोलेंगे। पहले से डिसाइडेड, हाँ वो चीज डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि क्या सबसे तव चित्तम, आज से आपका चित्त मेरा चित्त, आपका मन मेरा मन, आपकी वाणी मेरी वाणी, हम दोनों की एक सोच होनी चाहिए। तो जो भी सोचे हमको एक सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, तो अच्छे के लिए हमेशा हम दोनों एक रहेंगे। आप मेरा साथ दोगी? दोगी, चलो। अब उसके बाद आगे वचन में कह रहे हैं, मम तुष्टच्च कर्तव्यं बंधो नाम भक्तिराधरात् मयाज्ञा च परित्याये पतिव्रत प्रायणे। अगर आपको पतिव्रत प्रायण होना है, आप जितना प्रेम जितना स्नेह आप मेरे से करेंगे उतना ही आदर मेरे फैमिली को भी देंगे। पति की जगह पे सब पति का सम्मान, सास को जगह पे सास का सम्मान, देवर की जगह पे देवर को सम्मान, ससुर जगह ससुर का सम्मान, सबका जो सम्मान है उस सम्मान का कभी आप उल्लंघन नहीं करेंगे, ये उनका वचन है। मंजूर है आपको? मंजूर है। आप कह रहे हैं कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी में पत्नी का कोई धर्म नहीं होता, और गृहस्थ आश्रम में धर्म कर्म करना भी जरूरी है। तो आज से हम दोनों, आप मेरे एक विश्वास पात्र पत्नी बनो, एक दूसरे पे विश्वास। आपको किसी ने बोल दिया अरे मैंने प्रणय को तो वहां देखा होटल में, वहां तो ड्रिंक कर रहे थे, आप कैसा बोल दिया, ड्रिंक करते हुए देखा मैंने, कोई दूसरा दोस्त आया उसे कुछ और मजाक कर दी। बोला विश्वास सबसे बड़ी चीज है, कि मेरे को प्रणय पे विश्वास है, प्रणय कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी कहो, कहते हैं आंखों का देखा मानना चाहिए, कानों का सुना कभी नहीं मानना चाहिए, कानों का कच्चा जिंदगी भर मत होना, ये उनका वचन है। मंजूर है आपको? चलिए ताली बजा दीजिए दोनों। तो इस प्रकार हमको आगे जीवन निर्वापन करना है, दोनों ने शर्त मंजूर कर दी, तो अब आप उनको अपनी वामांगनी बाएं अंग में बिठाएंगे, तो आप खड़े होंगे, उनको उठाना है, पहले आसन बिछाना है, यहाँ पे एक आसन था, लेट्स गो जीजू, आपको ऐसे खींचो, ओम मनो ज्योतिजुखतामाजश्च बृहदुद्यमि मन्तनो परिष्टं जन्यकुंशमि मन्दधातु विश्वे देवासै हमादयन्ताम् ओं प्रतिष्ठ भूर्वस्वः मङ्गलसूत्रयः गच्छ यः गच्छ यः तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भव। इसके देने के बाद
ओम शिंदौरी अपराधने रस्म होती तो उन्होंने 500 रुपया उनको दिया एक शगुन तो निकी ने वापस करे बोले इतने से क्या होता है तो वापस 500 फिर दिए तो निकी ने उसको स्वीकार किया और वापस पति को दे दिया। अब पैसा लेना और देना इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों लेते हैं क्यों देते रहस्य उस रहस्य को बताऊंगा। रहस्य ये है कि पहले वचन में हमने ये लिया था कि जिस समय आप प्रसन्न चित्त या इस समय हैं तो जीवन पर्यंत इसी प्रसन्न चित्त आप मेरे को दिखने चाहिए। पहले पूछो तो सही है या नहीं है। एक्सेप्ट किया था शायद आप सोए होंगे उन्होंने एक्सेप्ट किया था वचन दिया था और अभी यहाँ से आपकी वामांगनी हो गई
तो कंकण उनके बाएं हाथ में जाता है। ये बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन तापि बदनामि रक्षेन माचल माचलो रक्षाम सुरक्षाम भूयात हो। यदिवर्ति नारायण सरसिजासन सन्निविष्टो केयूरवान मकर कुंडल वान किरीटी हारे हिरण्यम वपोधित शंख चक्र हो। प्रत्यक्ष देवाय सूर्य नारायणाय नमः। ध्यानार्थे धन पुष्पम समर्पयामि मंडप की ओर फूल चढ़ा दो। ध्यानार्थे धन पुष्पम समर्पयामि। प्रत्यक्ष देवाय सूर्य नारायणाय नमः। बस ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है के भगवान है। जन्म दाता है जो नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, 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 कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है के भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। ओ, लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये
ये तो सच है कि भगवान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान है, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तू जो मैं
मुश्किल सही।